शनिवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चौथे दिन भी बढ़ोतरी जारी है। शनिवार को देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 33 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके बाद देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर तो वहीं डीजल की कीमत 96 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 113 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत आज 104 रुपये प्रति लीटर देखने को मिल रही है। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 78 पैसे वहीं डीजल 99 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर है। और चेन्नई की बात की जाए तो चेन्नई में पेट्रोल की कीमत आज 104 रुपये 22 पैसे और डीजल 100 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर की दर से बिकता हुआ नजर आ रहा है। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को तुरंत कमी नहीं आने वाली है। तेल की आपूर्ति और मांग के मुद्दे पर केंद्र सरकार कई तेल निर्यातक देशों के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन कीमतों में तत्काल राहत की कोई संभावना नहीं है। 28 सितंबर के बाद से पेट्रोल की कीमतों में 19 बार बढ़ोतरी हो चुकी है, जब दरों में संशोधन में 3 सप्ताह का अंतराल समाप्त हो गया था। कुल मिलाकर कीमतों में 5 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई। वहीं 24 सितंबर से अब तक डीजल की कीमतों में 22 बार बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। इस दौरान डीजल की कीमतों में 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 4 मई को 17 जुलाई के बीच पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। इस अवधि के दौरान डीजल की कीमत 9 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर बढ़ी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दामों में उछाल के चलते भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत कच्चे तेल की सप्लाई के लिए मध्य पूर्व और खाड़ी देशों पर निर्भर है। कोयले की कमी, नेचुरल गैस की कमी से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। ओपेक का अभी कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है, जिससे विदेशों में जरा सी भी घटबढ़ का असर भारत में इससे बने उत्पादों पर पड़ता है। जनता के लिए भी इस कोरोना काल में महंगाई को सहना काफी मुश्किल होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।